मौसम में लगातार हो रही नमी के चलते देपालपुर सहित आसपास के ग्रामीण अंचल में लोग वायरल की चपेट में आ गए हैं। अस्पतालों में भी मरीजों का जमावड़ा लगने लगा है, जिसमें भी खासकर सर्दी खांसी बुखार हाथ पैर दर्द के मरीजों की संख्या अधिक है। डॉक्टर मनोज पाटोदी ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण पिछले 20 दिनों से वायरल फीवर के मरीजों की संख्या अधिक है। वायरल फीवर से बचने के लिए अपने आसपास गंदगी न होने दे, पानी साफ सुथरा ही पिए, मच्छरदानी लगा कर सोए ताकि इस वायरल से बचा जा सके। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। वायरल की चपेट से आ रहे हैं और मैक्सिमम वायरल ही है। मलेरिया के तो सिम्टम्स हैं पर कम है मलेरिया, वायरल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र में। ये 20 दिन हो गए हैं लगभग और अभी ये बारिश जब तक नहीं थमे तब तक उम्मीद है आ गया और पानी की। बस एक तो आप साफ पानी पिए और दूसरा मच्छरों से बचाव करें और घर में एक दूसरे के कपड़ों से भी ये बहुत जल्दी फैल रहा है तो उसमें भी बचाव करें, काफ़ी हद तक बच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।